brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. बीजेपी नेता अक्षय बम के मामले को लेकर घमासान जारी है। शुक्रवार को कोर्ट ने धारा 307 के मामले में अक्षय बम की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया, लेकिन अभी तक अक्षय बम की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इस मामले में जब एमपी तक ने फोन पर खजराना थाना प्रभारी सुजीत सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि ये खबर हमें मीडिया के माध्यम से मिली है, अभी तक हमारे पास वारंट नहीं पहुंचा है, वारंट पहुंचते ही पुलिस कार्रवाई करेगी। हालांकि इस मामले को लेकर कांग्रेस हमलावर है, तो वहीं याचिकाकर्ता के वकील ने दावा किया है कि वो एक बार फिर मंगलवार को कोर्ट जाएंगे और आरोपी की गिरफ्तारी की गुहार लगाएंगे, नहीं तो वो विदेश भाग जाएगा। अभी कोर्ट ने जो है गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, पुलिस को आदेशित किया है कि उसको गिरफ्तार करें। इस संबंध में अभी आज लोक अदालत है, शनिवार का दिन, कल रविवार है, हम सोमवार मंगलवार को फिर कोर्ट से एक निवेदन करेंगे कि साहब जो है इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ये भारत के बाहर भी भाग सकते हैं। इनका पासपोर्ट जब्त करने की भी हमने मांग की है, मूल जो पासपोर्ट है कोर्ट में जमा किया जाए। आपको बता दें कि शुक्रवार को इंदौर कोर्ट ने अक्षय बम और उनके पिता कांतिलाल बम के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था, लेकिन अभी तक अक्षय बम और उनके पिता के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके बाद से पुलिस प्रशासन पर सवाल उठने लगे हैं। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, एमपी तक।